क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप अपने नोट्स का पेज नंबर 3, 4 और 5 ले लीजिए। पेज नंबर 3 और 4, 5 पर आपको एडिशन टेबल्स दिए हुए हैं। एडिशन टेबल्स को आपको रीड कर इनकी प्रैक्टिस करनी है। पेज नंबर 3 पर आप देख सकते हैं आपको एडिशन टेबल ऑफ 5 दी हुई है। इसके पहले पेज नंबर 1, 2 पर आपको एडिशन टेबल्स ऑफ 1, 2, 3 और 4 दी हुई थी। तो पेज नंबर 3 पर आप देख सकते हैं आपको एडिशन टेबल्स ऑफ 4 दी हुई है। तो यहाँ पर आपको एडिशन टेबल 4 में बताया हुआ है कि जब आप 4+1, जैसे कि 1/1, आपको इसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर प्लस किए हुए दिए हुए हैं और साथ में बताया है कि वो एडिशन करने पर आपका क्या आंसर आता है। जैसे अगर हम 4+1 करते हैं तो आपका आंसर होगा 5, 4+2 इज़ 6, 4+3 इज़ 7, 4+4 इज़ 8, 4+5 इज़ 9, 4+6 इज़ 10, 4+7 इज़ 11, 4+8 इज़ 12, 4+9 इज़ 13 एंड 4+10 इज़ 14। इसी तरीके से आपको एडिशन टेबल्स ऑफ 5 और 6 दिया हुआ है, जिसे आपको रीड करना है। साथ ही में आपको इसे सॉल्व कर भी देखना है, जिससे कि आपको के एडिशन थोड़े इजी हो जाएंगे। जब आप वन नंबर वाले एडिशन, जैसे कि अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछे 6+2 इज़, तो आप डायरेक्ट उसे अगर आंसर कर पाते हैं 8, 6+9 इज़ 15, अगर आप जैसे डायरेक्ट उसे आंसर कर पाते हैं तो आपके एडिशन इजी हो जाएंगे। जब आपको आगे 2 डिजिट 3 डिजिट के बहुत ज़्यादा सम आएंगे और ऐसे जो बिना कैरी वाले इजी सम्स होते हैं, जैसे कि 5+2 इज़ 7, 7+4 इज़ 11, 2+1 इज़ 3 एंड 3+1 इज़ 4, तो इस तरीके से जब आपको ये शॉर्ट नंबर नेम्स के एडिशंस की प्रैक्टिस अच्छे से रहेगी, तो आपके जो बिगर नंबर वाले एडिशंस हैं आप उन्हें भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो पेज नंबर 3 और 4 पर आपको एडिशन टेबल्स दी हुई है, जो आपके टेप नंबर 4 से लेकर 9 तक आपको दी हुई है। तो आपको ये एडिशन टेबल्स को रीड करना है, साथ ही में आप इनको सॉल्व कर इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पेज नंबर 5 पर आपको लास्ट एडिशन टेबल ऑफ 10 दिया हुआ है। यहाँ पर 10 नंबर में 1 by 1, 1 to 10 नंबर्स ऐड किए हुए हैं और आपके आंसर्स आपको राइट किए हुए दिए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आपका एक ओरल पोर्शन आपको दिया हुआ है। इस ओरल पोर्शन को आपको अपनी रफ कॉपी में राइट कर कंप्लीट करना है, जिससे कि आप इसे ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे और समझ पाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फर्स्ट आपको दिया हुआ है ऐड द फॉलोइंग, जिसमें आपको नंबर दिया हुआ है 3 और 10, यानी कि ऐड द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको हिंदी में जो नंबर दिए हुए हैं इन्हें आपको अपनी कॉपी में राइट करना है, देन आपको उसे ऐड कर आंसर भी राइट कर कंप्लीट करना है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है 3 और 10, तो आपको 3 और 10, यानी कि यहाँ पर आपको 3 और 10 को प्रॉपर लिख कर इसे ऐड कर यहाँ पर आंसर सॉल्व कर कंप्लीट करना है। आप इसे अपनी रफ कॉपी में सॉल्व कर अपने पेरेंट्स से आंसर चेक करा कर कंप्लीट कर सकते हैं। हम आपका फर्स्ट वाला एज ए एग्जांपल देख लेते हैं। 0+3 इज़ 3, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को 0 से ऐड करते हैं तो हमारा वही नंबर हमारा आंसर होगा, एंड 1 के नीचे आपका कोई नंबर नहीं है, तो 10+3 इज़ 13। नेक्स्ट आपका नंबर दिया हुआ है 3 और 9, तो यहाँ पर आपको 3 और 9 को एक के नीचे एक लिख कर इस तरीके से सॉल्व कर प्रैक्टिस करनी है। एज इट इज़ आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 15 सम्स दिए हुए हैं। ये 15 सम्स आपको 1 by 1 अपनी कॉपी में राइट कर सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट है आपका से जोड़ तालिका ऑफ, यानी कि आपको जो एडिशन टेबल्स दी हुई थी वो टेबल्स आपको 1 by 1 बोलनी है। यहाँ पर आपको 5, जैसे कि आपको दिया 5, तो आपको 5 का टेबल बोलकर बताना है एडिशन टेबल। 5+1 इज़ 6, 5+2 इज़ 7, 5+3 इज़ 8, 5+4 इज़ 9, इस तरीके से आपको 10 तक ये टेबल्स बोलकर बताना है। जब आप ये टेबल्स इजीली अगर आपको लर्न हो जाती हैं, आपकी सिंपली है, आप किसी भी नंबर में जब 1 by 1 नंबर ऐड करोगे तो नेक्स्ट जो आपका नंबर है वो एक बार 1 by 1 वहाँ पर बढ़ता जाएगा। तो आपको एडिशन टेबल्स की प्रैक्टिस करनी है। लास्टली आपका यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ऐड एंड मैच कर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस वाले पेज पर आपको ये करना है, यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स एक कॉलम में दिए हुए हैं और सेकंड साइड आपको उस कॉलम के आंसर्स दिए हुए हैं। आपको इन आंसर्स को मैच कर कंप्लीट करना है।
यहाँ पर आपको फर्स्ट दिया हुआ है 4 प्लस 2, 6 प्लस 1, 2 प्लस 0, 4 प्लस 5 एंड 1 प्लस 7। आपको इन्हें अपनी कॉपी में सॉल्व करना है और जो भी आपके करेक्ट आंसर इसमें से होने वाले हैं उन्हें पेंसिल से मैच कर कर कंप्लीट करना है। एज ए एग्जाम्पल अगर हम देखें 4 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 आपका होने वाला है 4 आफ्टर 5 6 7, 4 आफ्टर इज 5, जिसे हम 2 टाइम्स काउंट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 5 6। तो आपका आंसर जब 6 आया तो 4 प्लस 2 को आपको यहाँ से 6 से मैच कर कर कम्प्लीट करना है। एज ए 6 प्लस 1 इज 7, 2 प्लस 0 इज 2। इस तरीके से आपको ये एडिशन टेबल्स के हेल्प से आपको यहाँ पर मैचिंग कम्प्लीट करनी है। एज इट इज़ यहाँ पर आपको सेकेंड मैचिंग दी हुई है, यहाँ पर सेकेंड मैचिंग में भी आपको इसी तरीके से करना है। आपको ये जो एडिशन नंबर्स दिए हुए हैं आपको इनको इनके जो करेक्ट आंसर्स हैं उससे पेंसिल की हेल्प से मैच कर कंप्लीट करना है। 1 प्लस 6 इज 7, तो आपको यहाँ से 7 नंबर्स से इसे मैच करना है। एज इट इज़ आपको इन नंबर्स को करेक्ट फॉर्म ऐड करना है और फिर उसको इसके आंसर से मैच कर कंप्लीट करना है। आपके पेज नंबर 5 तक आपकी मैथ्स की क्लास यहीं ओवर होती है।